मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गले 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 गुनगाने लगे। ऐसी लागी लगन कि मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन कि मीरा हो गई मगन, वो तो गले 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 गुनगाने लगे। और आप लोगों ने सुना होगा ना ये जो मीरा वाला गाना है। अच्छा, आप लोगों ने एक बार सोचा है कि इसको जिसने गाया जाना, वो जलोठा जी ने गाया, अनूप जलोठा, हाँ, जो आजकल बिग बॉस 12 में आए हुए हैं, नाम सुन। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, ये जो गाना आया था मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, हाँ, उसमें डार्लिंग तेरे लिए कौन था उसका डार्लिंग? डार्लिंग तो उसने बताया नहीं। हम जानते हैं, सुबह से जब से उठे हैं यही सोच रहे हैं कि भाई मुन्नी बदनाम हुई, कौन था वो डार्लिंग, किसके लिए बदनाम हो गए? कहीं हमारे लिए तो नहीं हो गए? मुन्नी को तो बताना चाहिए, मुन्नी को बस हम सोच रहे हैं केस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सोच रहे हैं उसको मुकदमा करते हैं कि मुन्नी ने बिना बताए बताए हुए कैसे इल्जाम लगा दिया कि बदनाम हो गए। मानहानि का केस तो बनता ही है। ऐसे मुन्नी बदनाम हुई तो उसे बताना चाहिए ना किसको, किसकी वजह से बदनाम हुई, क्यों बदनाम हुई, बिना बताए उसने पूरे दुनिया के सामने चिल्ला के बोल दिया मुन्नी बदनाम हुई। अरे भाई, कोई किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है तो बताता तो है हम क्यों इल्जाम लगा रहे हैं, क्यों, क्या तुमने मेरे साथ गलत किया है। मुन्नी ने तो बताया ही नहीं, तो बदनाम क्यों हुई, क्या किया था उसके डार्लिंग ने? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, बताओ तो, तब ना हम लोग जानेंगे कि क्यों तुम बदनाम हो गए। हाँ, तुम बदनाम हो गए उसके बाद से शीला की जवानी आ गई, बताओ। तुम नहीं बदनाम हुई होती शीला की जवानी, तुम्हें नहीं लोगों पर आरोप लगाया होता तो शीला की जवानी नहीं आती। तुम आरोप लग गया, तुम बदनाम हो गए तो शीला को मौका मिल गया तो शीला आ गई मार्केट में, शीला की जवानी आ गई, बताओ। जब तुम मुन्नी बदनाम नहीं हुई होती तो शीला की जवानी नहीं आई होती। अब भाई, तुमने बदनामी का आरोप लगा दिया लेकिन ये नहीं बताया क्यों बदनाम हो गई, तुम्हारी वजह से शीला को आना पड़ा मार्केट में, वरना शीला अपने घर पर चुपचाप बैठी रहती। मुन्नी, तुमने बड़ा गलत किया है, इसको तो हम सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाएंगे और तुम पे केस करेंगे, समझ गए? आरोप लगाया तो बताओ ना क्यों लगाया। चोरी हो कलैया पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। हाँ, आप लोगों ने गाना सुना होगा ना, मैंने भी सुना है। अच्छा, लेकिन एक चीज आप लोगों ने सुना, मैंने सोचा है, चूड़ी हो कलैया पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। हाँ चलो ठीक है, हीरो जो है हीरोइन को हरी हरी चूड़ियां पहना देगा, ठीक है, कुछ नहीं। लेकिन तुम्हें तो चूड़ियां ही क्यों पहनी है भाई? हाँ, तुम्हें पहननी है तो कुछ पहनो ना। आज चूड़ी मांग रही हो, कल को साड़ी मांगोगी, फिर परसों बोलोगे कि लिपस्टिक दे दो, फिर बोलोगे क्रीम दे दो, फिर ये दे दो, वो दे दो, सब कुछ दे दो। लड़कों को तुम लोग खंगाल करके छोड़ोगे, लड़कों को उनकी जो जेब में पर्स रहता है उसको एकदम झपट्टा मार लेती हो तुम लोग। अरे लड़कों पे भी थोड़ा दया करो, उनके भी खुद के जेब खर्चे होते हैं, उनको भी अपने खाने पीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, थोड़ा सा भी तुम लोग उसको उनके लड़कों के ऊपर थोड़ा सा तो दया कर दिया करो। तुम लोग को लड़कों के ऊपर थोड़ा दया नहीं आती है, बस उनके ऊपर उनके पैसों पर एकदम झपट्टा मार देती हो, बस मौके का इंतजार करती हो कि जहां लड़का मिले नहीं उनके पैसों पर झपट्टा मार दो। शॉपिंग करने जाती हो, अनलिमिटेड शॉपिंग करके आती हो, ये नहीं सोचती हो कि लड़का इतना मेहनत से पैसा कमाता है या अपने बच्चे लोग कमाता है मेहनत से, कोई बात नहीं खर्चा कर देगा। ये बहुत सारे लड़के होते हैं जो अपने माँ बाप से पैसे मांग के लाते हैं, उनको जेब खर्च की जरूरत उनको भी होती है, नाश्ते की जरूरत होती है, वो कहाँ जाएंगे? तुम लोग तो उनके सारे पैसे पर डकैती डाल देती हो। तो लड़कियों, सुधर जाओ और उनको थोड़ा सा उनके ऊपर रहम छाया करो, समझ गए? भगवान भी तुम्हारा भला करेगा, उनका भी करेगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। सुना है आप लोगों ने गाना? सुना है ना आप लोगों ने, बड़ा फेमस गाना था अपने टाइम का। हम भी सुबह सुबह उठे थे तो यही गाना बज रहा था, हम भी सुन रहे थे। लेकिन इसकी आप लोग ध्यान दिए, तुझे देखा तो ये जाना था, भाई किसको देख लिया? हीरो को, हीरो को देख लिया? भाई नाम तो बताना चाहिए, तुझे देखा तो ये जाना था ना, भाई हमारा नाम ले लेती, हमें देख लेती, क्यों तुम उसी को देख रही हो? भाई उसको देख के तुम दीवाना हो गए, हमें देख लिया होती हमें दीवाना हो गई होती। हम क्या इतना बुरे हैं कि हमें नहीं देखोगी? हीरो तो तुम्हें हमेशा मिले, हर एक मूवी नहीं तो दूसरे मूवी वही हीरो फिर मिल जाएगा। कभी कभार हम पे भी देख लिया करो, कभी हम पे भी दीवाना बन जाया करो, और हम तुम्हारे में दीवाना, तुम्हारे पे दीवाना और तुम हम पे दीवानी, हमेशा उसी हीरो को देख देख के दीवाना बनती रहो। अरे हम भी तो हैं, देखो इधर बेतुलाल तुम्हारे इंतजार में खड़ा है, सॉरी खदेरू लाल, हमारे भाई का नाम ले लिया, सॉरी खदेरू लाल तुम्हारे इंतजार में खड़ा है, कभी खदेरू लाल पे भी तो दीवाना बन जाया करो। हमेशा उसी हीरो पे दीवाना बन के नहीं मजा आएगा, हमेशा नई चीज ट्राई करनी चाहिए, कभी खदेरू लाल को भी तो ट्राई करके देखो, कभी हम पे भी तो दीवाना बन के देखो। अच्छा चलिए, आज थोड़ा सा ना पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, आज मैंने बड़ा मन है पॉलिटिक्स की बातें करने का, आज पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो पॉलिटिक्स का जब हम बातें करते हैं तो सबसे पहले नंबर ही आता है नरेंद्र मोदी जी का। हाँ, मोदी जी तो बहुत तेज चिल्लाते हैं भाई, सच में बहुत तेज चिल्लाते हैं। अरे हम देखते थे 2014 में जब चुनाव हुआ, मंच पे जा जा के चढ़ चढ़ के चिल्लाते थे, 15 लाख देंगे तुमको, 15 लाख देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, विकास कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। ठीक है, उसे हमें का लेना देना भाई, जनता जाने और तुम जानो, करोगे तो तुम जीतोगे, नहीं करोगे तो हारोगे, हमें हम उस पर टिप्पणी हमें नहीं करना है। लेकिन एक चीज है मोदी जी, वो कुर्ता पैजामा कहाँ से सिलवाते हैं? कहाँ से सिलवाते हैं बताइए, कहाँ से लेके आते हैं वो इतना कुर्ता पैजामा? आपका हमेशा कुर्ता पैजामा चेंज हो जाता है। राहुल बाबा को भी इकट्ठे दे दिया कीजिए, राहुल बाबा अब नहीं देते ना, इसलिए राहुल बाबा चढ़ गए, इसलिए संसद में आंख मार के आपको बताते हैं कि भाई हमको नहीं मिला है।
हम तो देखे थे राहुल राहुल बाबा, राहुल बाबा कितना बढ़िया आंख मारे थे, हम तो गदगद हो गए उनका आंख मारते हुए। हमको तो पता ही नहीं था कि राहुल बाबा इतना बढ़िया आंख मारते हैं। मजा आ गया, दिल बाग बाग हो गया, दिल में जो जीरा है ना बाग बाग हो गया, जीरा खुशी से झूम उठा राहुल बाबा को आंख मारते हुए देख के। अरे सोनिया जी रही होती और राहुल जी को आंख मारते हुए देखी होती तो वो भी खड़ा होकर ताली, एक ताली तो वही बजा देती कि भाई हमारा बेटा इतना इतना खूब। गुब्बारे में हवा न भर गुब्बारा फूट जाएगा, गुब्बारे में हवा न भर गुब्बारा फूट जाएगा, ऐसे मुड़ा न कर वरना सड़क पे गिर जाएगा। वाह वाह बोलिए, वाह वाह बोलिए, इतना बढ़िया आप लोग शायरी सुना रहा हूँ, वाह वाह बोलिए, वाह 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 वाह। वो छत से गिरा तो जमीन पे आ गया, वो छत से गिरा तो जमीन पे आ गया, और जमीन पे आया तो बीबी ने देख लिया, बीबी ने देख लिया तो आईसीयू में होता है। वाह 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 वाह। हाँ जयराम जी, अरे हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ और बताइए काल चला है, सब ठीक है आप लोग? आप हाल चाल सब लोग ठीक है ना? किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई शिकायत, कोई भी शिकायत, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है आप लोग हमसे मिल सकते हैं। अरे हमारे पास बहुत बढ़िया बीमारी का इलाज है, बताएंगे नहीं। और बताइए कैसे हैं, ठीक है ना? हाँ अरे गूगल, आज हम सोच रहे हैं कि आप चले जाए गूगल बाबा के पास, गूगल बाबा से बात कर लें आज, लेकिन जा नहीं पाएंगे थोड़ा काम है, गूगल बाबा पता नहीं खाली होंगे कि नहीं। अच्छा गूगल बाबा बड़े अच्छे हैं, कुछ भी सर्च करो तो गूगल बाबा तुरंत खोल खोल के सब दे देते हैं। लो भाई लो, कुछ भी फैशन टाइप करो सब कुछ आ जाता है, कुछ भी टाइप करो कुछ भी दे देते हैं गूगल बाबा। एक ही है दुनिया में कोई सबसे होशियार है तो गूगल बाबा है, उनसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है, मानते नहीं मानते हम लोग गूगल बाबा। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, गूगल बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, गूगल बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, गूगल बाबा जिंदाबाद। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये क्या बोले हैं, गूगल बाबा जिंदाबाद। हाँ सही सोच रहे हैं आप लोग, गूगल बाबा जिंदाबाद। आप सोच रहे हैं कैसे गूगल बाबा चुनाव में कहाँ उठ गए? भाई देखिए यदि गूगल बाबा चुनाव में उतर गए तो गूगल बाबा छठ से जीत जाएंगे, मालूम आप लोग को? क्योंकि गूगल बाबा को सब कुछ मालूम है, गूगल में आप लोग कुछ भी टाइप करेंगे गूगल बाबा तुरंत रिजल्ट दे देते हैं, एक चीज टाइप करेंगे 2 लाख रिजल्ट दे देते हैं, 3 लाख दे देते हैं। तो गूगल बाबा को ये भी मालूम होता है कि चुनाव में कैसे जीता जाता है और कौन जीतेगा, तो गूगल बाबा ऐसे ही जीत जाएंगे। एक काम करते हैं अगले चुनाव गूगल बाबा को उठा देते हैं, गूगल बाबा को भी बुलाते हैं, उन्हें भी चुनाव लड़वाते हैं, सारा मामला खत्म, सारी इंडिया की जितनी समस्या है सब खत्म, इतनी सारी समस्या है, गरीबी विकास, गरीब लोन लेके लोग बैठ जा रहे हैं, ये बैठ जा रहे हैं वो बैठ जा रहा है, 50 की दिक्कत है इंडिया में, तो सबका सोल्यूशन है तो केवल गूगल बाबा के पास है। भरोसा ना हो तो गूगल पे कुछ भी टाइप करके देख लीजिए, देखिए गूगल बाबा एक चीज टाइप करेंगे 2 लाख रिजल्ट आता है, तो गूगल बाबा के हम चुनाव में उतारते हैं तो गूगल बाबा तो सारी समस्या का हल ही दे देंगे हम लोग को। एक काम करते हैं तो अगली बार ना गूगल बाबा को बुलाते हैं, उन्हीं को चुनाव लड़वाते हैं, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाकर बैठा देते हैं इंडिया में, दुनिया में जितनी भी दुनिया में सबसे आगे इंडिया रहेगा, सारी समस्या खत्म। गूगल बाबा को इतना कुछ ज्ञान है, सर्वज्ञानी है कि गूगल बाबा आते ही सब समस्या फटाफट 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 निपटा देंगे, सारा समस्या का हल, सारी समस्या का हल निकल जाएगा गूगल बाबा। देख के चल भाई, जरा देख के चल, उधर जाएगा तो खंजर ही है, कंकड़ है, गड्ढा है, गढ़ाई है, इधर आएगा तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, मैं समझता ही नहीं। अरे पसंद कर दिया, अरे अब सोचा किसी बात। जयराम जी के भाई, जयराम जी के भाई, हम आप लोगों से आज एक बात कहना चाहते हैं, बताएंगे? पूछना भी चाहते हैं आप लोगों से, कहना भी चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, दोनों करना चाहते हैं, तो अगर बताएंगे? अच्छा एक बात बताइए, हम यदि गूगल का कोई लड़की उड़की है का, गूगल की लड़की से सोच रहे शादी करके, है ना? आज सुबह ये सोए थे हम बिस्तर पे, सुबह सुबह ही हमारे दिमाग में ख्याल आया कि गूगल की लड़की से शादी कर लो, गूगल हो गया अपना और गूगल पे हमारा अकेला राज, अकेले राज करेंगे हम गूगल पे। गूगल की कोई लड़की उड़की है, कोई लड़की उड़की गूगल की, पूछ के जरा बताइएगा आप लोग। देखिए ना कितना मतलब मजेदार आइडिया आया हमारे दिमाग में, गूगल की लड़की से शादी कर लो, गूगल का राजपाट अपना, ना कुछ करने की जरूरत, ना धरने की, सारा इतना बड़ा साम्राज्य अपना हो गया, है ना? फ्री फंड वाला तरीका, सुबह ये सुबह 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 उठे दिमाग में ही ख्याल आया, सोचा आप लोग से पूछ लूँ, आप लोग को बता दूँ, जरा पता करके बताइए गूगल की लड़की कोई हो हम तो शादी करेंगे, और उसके बाद से सब पे राज करके आराम से, ठीक है? तो जब पूछिएगा मालूम कीजिएगा, कहीं कोई बता दे आप लोग को कि भाई गूगल की लड़की है तो हमें बता दीजिएगा। है नहीं बढ़िया आइडिया है कि नहीं, है ना भाई? इससे बढ़िया आइडिया हो ही नहीं सकता भाई, गूगल भाई तुम ही बता दो, नहीं तो हमारे जो दर्शक है जो देख रहे हैं उन्हीं को बता दो, वो लोग हमको बता देंगे। बढ़िया आइडिया है। अरे भाई गुग्गा 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 गूगल गूगल गुग्गा 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 गूगल 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 गूगल, देखा कितना बढ़िया बढ़िया आइडिया हमारे दिमाग में आता है। अच्छा अच्छा गूगल बहुत अच्छा गाना बनाया है, बहुत अच्छा गाना बनाया है गूगल पे, सुनेंगे? बोलिए लोग सुनेंगे, सुनेंगे ना? हम भी सुनाने जा रहे हैं, नहीं भी आप सुनेंगे तब भी हम सुनाएंगे। आप तो जानते हैं बेचूलाल खजेरूलाल, हम दोनों लोग ऐसे ही हैं, नहीं भी आप सुनेंगे तो हम सुनाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, हम सुनाने जा रहे हैं, गूगल छोटा सा गाना बनाया है, मजा आया। गूगल कर गूगल 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 नहीं, अरे एक मिनट रुकिए, अभी कहाँ स्टार्ट हुआ, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है ना इसीलिए।
गणित बहुत खराब सही कर रहा है। गूगल का गूगल 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 का गूगल 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 का गूगल 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 सही थोड़ा लिरिक्स गड़बड़ा जा रहा है ना थोड़ा एक बढ़ के गूगल का गूगल 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 का गूगल 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 का गूगल 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 का गूगल 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 का गूगल 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 का गूगल 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 का गूगल 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 आगे समझ नहीं आ रहा बोले हम तो मजाक कर रहे थे आप लोग का सोचे गाना बना दिया गूगल पे मजाक भी। जयराम जी दोस्तों, जयराम जी की और क्या हाल चाल है भाई। देखिए एक चैनल है यूट्यूब का, एक चैनल है उसका नाम है इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट। इस चैनल को जाइए यूट्यूब पे खूब देखिए खूब देखिए और हाँ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिए जितना जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। आप और आपके घर वाले आपके फैमिली दोस्त सब लोग खुश हो जाएंगे चैनल को देख देख के। इसमें हम आएंगे, हमारे मास्टर जी आएंगे, बेचू लाल आएगा और भी खदेरू लाल के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो भाई जाइए इसको खूब सब्सक्राइब कीजिए और हम खूब अपना चेहरा खोल खोल के आप लोगों से हम बतियाएंगे।